आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन एक बार फिर से खुल गया है। 1 दिसंबर से हफ्ते में 5 दिन लोग राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके लिए एक दिन को 5 स्लॉट के समय में बांटा गया है, जिसके लिए लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। सरकारी छुट्टियों को छोड़कर हर हफ्ते बुधवार से रविवार तक के लिए राष्ट्रपति भवन खुली रहेगी। प्रत्येक शनिवार को 9 बजे से 10 बजे के बीच राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ चेंज समारोह आयोजित किया जाएगा। आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सर्किट 1, सर्किट 2 और सर्किट 3। सर्किट 1 में मुख्य भवन, प्रांगण, स्वागत कक्ष, नवचारा, बैंक्वेट हॉल, ऊपरी लोकगिया, लुटियन ग्रैंड सीढ़ियां, अतिथि विंग, अशोक हॉल, उत्तर ड्राइंग रूम, लंबा ड्राइंग रूम, पुस्तकालय, दरबार हॉल, भगवान बुद्ध की मूर्ति शामिल है। सर्किट 2 में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर और सर्किट 3 में गार्ड ऑफ चेंज समारोह को रखा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक पोर्टल के अनुसार सोमवार और मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन यहां एंट्री की अनुमति है। इसके लिए दिन में 5 स्लॉट उपलब्ध होंगे, जिनमें सुबह 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, दोपहर 12 से 1 बजे, 2 से 3 बजे और 3 से 4 बजे के बीच अपने हिसाब से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। 1-1 घंटे के 5 टाइम स्लॉट के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। आइए जानते हैं ऑनलाइन बुकिंग की क्या प्रक्रिया है। राष्ट्रपति भवन की सैर करने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट rb.nic.in या rashtrapatisachivalay.gov.in/rbtour/ पर विजिट करना होगा। ये वेबसाइट की लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको दाईं ओर टॉप लाइन में प्लान योर विजिट टैब दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने कैलेंडर खुलेगा और दाईं ओर तीनों सर्किट में बुक नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप किसी एक को सिलेक्ट कर अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट कर बुकिंग करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको अपना फोटो पहचान पत्र भी दिखाना होगा।